कि तू लिखवा ले मेरे से से शादी इसी होगी हेलो सभी को क्या कि हमारा पहला एपिसोड है वगैरह वगैरह विद संयम राजेश पॉडकास्ट बहुत सारे होते हैं हमने बहुत सारे देखे हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले होते हैं हमने सोचा कि यार सब काम की बातें कर रहे होते हैं हम कुछ वगैरह वगैरह इधर उधर की बातें करते हैं तो हमने इसलिए ये काम शुरू किया ये पॉडकास्ट ली है आ, जो बातें जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो बातें बड़े बड़े पॉडकास्ट में रह जाती हैं कि ये तो बातें थोड़ी करेंगे यार आ, तो वो बातें हमने सोचा इसमें हम शुरू करें अशन ग्रोवर हमारे साथ है और सर पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए मतलब ऐसा क्या होता है पहले बार ना कोई आने को तो होता। कहता कि मुझे दिखाओ होता ना, उसको फ्यूचर का पता है कि कौन लोग कहा पहुंचने आ, वाले है। दाव तो किस पे खेलना दाव है तो वो ये हमेशा इतिहास में रहा जाएगा कि जब संयम राजेश ने ये शुरू की थी राजेश संयम तो फिर भी कहीं था बट राजेश ने शुरुआत जमीन से की थी कल कल को जब ये संयम कार्तिक आर्यन की जगह ले रहा होगा हाँ तब बोलेंगे ना लोग पहचान लिया थार ने पहली पहचान लिया वही इसीलिए वही है सर को पहचान है मतलब हमने भी आपके बहुत पार्ट बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और बहुत सारे इवेंट्स पे आप हमेशा जाते हैं हम देखते हैं कि लोग आपसे वही बातें करते हैं कि सर बिजनेस कैसे बनाना है कैसे, कैसे आपने बना है? बनाया है मेरे से बात कर करके लोगों ने अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दिया मतलब मजाक है यार ये वही ना वही सर की जो अच्छा ये बोला था उन्होंने मैं भी इस चैप्टर लिख देता हूँ तो ये होता है हमने सोचा कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे वगैरह वगैरह इधर उधर की बातें करते हैं तो हमें पता लगा कि आपने आई से अपनी पढ़ाई शुरू की थी हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए दो पहले बारहवीं तक की थी यार ऐसी बारहवीं से की कहा नहीं, से से स्कूल का बताओ थोड़ा सा यार मैं तो घर के पास एक स्कूल था एपीजे स्कूल करके एपीजे पी कहाँ पे था आपका दिल्ली में हाँ नगर में रहता था मैं अच्छा शेख सराय में स्कूल था आधा किलोमीटर दूर तो पहले तो यही होता था जो पास वाला स्कूल है भेज दूँ तो मेरे कई लोगों को होता ना कि हम डी से पढ़े हैं हम यहाँ से पढ़े मैं वो डी वाला लड़का नहीं हूँ मैं तो क्या कहते हैं ए स्कूल वाला लड़का हूँ और पता नहीं मेरे स्कूल में सब शायद थोड़ा वेला पंथी थी सब टीवी पे पहुंच जाते हैं मतलब जो पढ़ता है वो भी टीवी पे पहुँच जाता है, मज़े की बात है। तो पॉल सुना तुमने। हाँ। वो मेरा से एक बैच सीनियर था अच्छा एक निधि राजदान करके थी न्यूज हाँ। रीडर वो मेरे स्कूल से थी मेरे से जूनियर थी रिधि डोगरा तो वो भी टीवी पे आती है रहा एस एनएसडी की जूनियर ब्रांच बोल देते हैं उसको <laughs> तो सर ऐसा कुछ था कि हिंदी बोलनी है इंग्लिश बोलनी है स्कूल में नहीं मतलब कुछ स्कूल में फाइनस होता है जो जो, जो जो जुबान पे उस टाइप में ऐसे नहीं था मतलब स्कूल फाइन लगता है में हां हां मैं, मैं सर मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाऊँ जो एकदम राज के सर्वोदय बाल विद्यालय टाइप दिल्ली सरकार के होते हैं तो कई बच्चे ऐसे आते थे जो बिल्कुल मेरी तरह होते थे बेचारे नहीं बोल पाते थे तो किसी अच्छे स्कूल में उनके माँ बाप ने डाल दिया था उनका एडमिशन हो गया वो बेचारे भाई इंग्लिश बोल नहीं पाते थे तो बहुत फाइन लगते थे उनके ऊपर तो माँ बाप ने निकाल के यही पढ़ नहीं नहीं बड़े बच्चे थे हमारे स्कूल में भी तैयार हमारे में तीन चार टाइप के बच्चे थे एक तो थोड़े अमीर बाप के बच्चे थे वो जीके में रहते थे जीके के वन जी के टू कोठी वाले बच्चे तो, तो तो इंग्लिश ही बोलते थे उनको तो, तो बचपन से हुई सिखाई फिर थोड़े बंगाली बच्चे थे सी आर पाक वाले वो भी पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं तो वो भी इंग्लिश बोलते फिर शेख सराय वाले थे वो आज थोड़े इंग्लिश बोलते थे मालवीय नगर वाले थे हम तो हिंदी बोलते थे तो सर जैसे हमने एक है आपके कि बड़े आप गुस्से वाले से गुस्से खाए तो कई बार ही क्या होता था की कोई सला क्रिकेट खेल रहे होते थे कोई आता था अपना बैट लेके अपनी बैटिंग लेके बोलता था मैं तो जा रहा हूँ मम्मी बुला रही है तो मैं बोला तू खा के जाएगा भाई तू ऐसे तो नहीं जाने तेरे को तू उसी के बैट से पीट दिया बाद में मम्मी आ गई मेरे मम्मी को बोलने की आपका लड़का पीट देता हमारे को। मैंने बोला बैटिंग नहीं दी तो पिटेगा तो <laughs> यार, यार, मम्मी मारेगा पापा ने वाले पापा ने बोला बैठक देख पेरेंट्स होते भी ऐसे की अपना सामान खेल के वापस लेके आया थे भाई मेरे पापा वैसे थे <laughs> और सर घर घर से क्या रिस्पॉन्स था फिर आप लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा नहीं घर वाले क्या रिस्पॉन्स करेंगे मैं पढ़ भी लेता था ना ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था ना तो बीच बीच में कर लेता था, था थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए थोड़ा दो चार को पीट दिया तो कभी कभार मन करा तो वैसे पढ़ाई में अच्छा था मतलब पाँचवीं क्लास से पहले थोड़ा वीक था पाँचवीं क्लास में क्या हुआ तीन वो होते हैं ना ट्राइमेस्टर होते हैं सेमेस्टर होते हैं जो भी तो पहले मैं थर्ड आया फिर सेकेंड में सेकेंड आया फाइनल वाले में फर्स्ट आ गया फिर मैं बुरा अब साल फर्स्ट ही आना वापस नहीं जाना तो उसके बाद से फर्स्ट आता रहा सब जगह मेरे साथ उल्टा हुआ यार मेरे साथ मैं टेंथ तक अच्छा था फर्स्ट सेकेंड आता था इलेवन ट में पीछे हुआ ग्रेजुएशन में तो और पीछे हो गया मैं तो फिर तो, मैं बैक तो बैक तो... बेंचर के भी पीछे हो गया सिक्स सेवन तो मैंने की नहीं थी क्यों भाई अरे मेरे किस्से के किस्से मेरे अच्छा दो साल जेल काटी कहीं जेल नहीं काटी बस यहाँ रह गया पापा पुलिस में थे ना अच्छा तो फिर ट्वेल्थ तक तो मैं टॉपर था और फिर ग्रेजुएशन आते आते और आज देखो <laughs> क्या देखे क्या देखे लोग क्या दिखा रहे <laughs> हैं देखो <laughs> दिखा रहे हैं <था। laughs> कैमरा लगा हुआ है उधर कैमरे में देखो <laughs> <laughs> तो सर ट्वेल्थ में कितने मार्क्स थे आप कितने परसेंट यार ट्वेल्थ में मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ फोर जो था 91 थे आ, और ये कौन से साल की बात है सर 2000 हजार अभी किया अपने बार भी दो हजार बाईस साल बाईस साल हो गए

बट फिर वो आई में हो गया तो पहली बार में हो गया था आई आई टी में आपका हाँ हो तो पहली बार में गया था रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी अठारह सौ तेईस रैंक आई थी तो अब वही चक्कर था कि सबको कंप्यूटर साइंस लेना था इतनी रैंक पे तो मिलनी नहीं वाली थी तो किसी मेरे जो फ़ादर थे उन वो जानते थे कुछ प्रोफेसर्स को तो उन्होंने उनसे पूछा उन्होंने बोला आई टी में डलवा दूँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लड़का तो उस करके मैं फिर आई आई टी में सिविल इंजीनियरिंग करता था अच्छा आपने सिविल करी है सिविल करी है फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड में से फर्स्ट में यार मतलब जिस साल 12वीं ख़त्म करी उसी साल एडमिशन लिया तो आपको पता था एटी में जाना है हां पता था मतलब मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अब मेरे को ये था कि यार मैं मुनीम की दुकान पे तो नहीं बैठ सकता मतलब बहुत ही बोरिंग लगता था मेरे को यार ये अकाउंट्स अकाउंट अकाउंट्स और फादर मेरे को कई बार ही ले जाते थे कोई एनटीपीसी का ऑडिट चल रहा है कहीं चल रहा है तो मैं मैं थर्मल पावर प्लांट देखता रहता था मेरे को लगता था यार ये चलो कुछ बनाया है

ट्वेल्थ पास की फिर पता ही नहीं क्या करना मुझे तो आई पता ही नहीं था होता क्या आई पापा ने एग्जाम दिलवा दिया आई जाके बैठ गया आई का फिर मैं खड़ा होकर घर भी आ गया, मैंने <laughs> कहा ये क्या है ये तो दो गए <laughs> मैंने, मैंने 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 टी भरा था ए आई ट्रिपल ही होता था मैंने भी भरा था होता था दिल्ली कॉलेज में यूपी टू होता था ये दो कॉलेज भरे थे और सच में अभी गया था जाके उठ के बैठ के आ गया था और रैंक आई थी मेरी कोई सोलह देखी नहीं पूछ ही सब में हो गया था ए आई ट्रिपल ई में हो गया था डीसी में भी हो गया था डीसी में तो अच्छी रैंक भी आई थी बट फिर संजोग होता है ना संजोग कि यहीं जाना तो वहीं चले गए हैं से बेटर क्या बट पता है मुझे मैं जब उन लोगों को देखता हूँ जो आई आई मैं देखता से मैं क्या खास बात है जिन्होंने फॉर्मूले सही करके और उनकी सिलेक्शन हो गई मेरी सिलेक्शन हो गई मतलब <laughs> मेरे को तो बड़े मैंने देखा पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं बहुत पढ़ते हैं यार वो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं यार इतने बड़े सम होते हैं और जैसे मैथ होती है स्टेप होते हैं किसी भी एक स्टेप पे कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर नहीं देंगे कुछ, कुछ भी पूछ लेते हैं यार इस... कुछ, <laughs> <laughs> कुछ भी पूछ लेते हैं कि कुछ भी कुछ भी पूछ लेते हैं मैंने सर मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं, मैं, मैं भी ऐसी था कि मुझे नहीं पता था ट्वेल्थ के बाद यही दो फॉर्म भरे क्योंकि इंजीनियरिंग और एम दो का ही क्रेज होता था उस टाइम भाई नाम उसके अलावा पता भी नहीं था जैसे फैमिली से हम लोग आते थे घर वालों को भी नहीं पता था इतना कि क्या करना है उन्होंने छोड़ रखा था अपने आप कर लेना जो करना है तो ये भरा इसमें कुछ हुआ नहीं तो डी मैं डी का फॉर्म भरा अच्छा मैं डी का फॉर्म भरने गया वहाँ पर और मैंने फॉर्म देखा तो उसमें मेरे को ना ऑनर्स वाले वो मिले सारे कोर्स बॉटनी ऑनर्स जोलॉजी ऑनर्स तो मैंने कहा ऑनर्स में तो ज़्यादा टफ पढ़ाई है फिर उसमें देखा मेरे को एक लाइफ साइंस देखा एक फिज़िकल साइंस जो प्रोग्राम कोर्स थे मैंने देखा फिजिकल साइंस मैंने कहा ये कुछ भाग दौड़ जैसा होगा ये तो नहीं लूँगा <laughs> कौन भागे दौड़ेगा यार मैंने भर लाइफ साइंस और मुझे ना बायो नहीं पढ़नी थी मुझे पढ़ना था मैथ मैथ पढ़नी है फिज़िक्स पढ़ लूँगा मैं बायो बहुत टफ लगती थी मुझे तो जब मैं एडमिशन लेने गया

तो, तो अब मेरठ से हाँ कहाँ पे साकेत नहीं 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 सर मैं तो आउटर कंगर छेड़ा हाँ, तेरी हरकत भी मेरठ वाली है थोड़ी <laughs> <laughs> तो मतलब मेरे से थे डी का सुना था कि डी यू है कुछ ऐसे करके ना तो मैं बहुत घबरा गया कि डी में, में एडमिशन लेना है मेरे को तो सर मैं गया था साउथ में कैंपस में कॉलेज था बड़ा टुच्चा कॉलेज था मैं गया और मेरी इतनी हालत टाइट थी पापा थे रिक्शा में पापा आए मेरी हिम्मत इतनी हुई मैं अंदर जाके किससे बात भी कर लूँ मैंने कहा कैसे बात करते होंगे लोग यार मैं क्या बात ही करूँगा अब तो यार स्कूल बन के रह गए हैं मतलब मैं क्या कहते हैं प्लेसमेंट के लिए बहुत बारी गया डी भाई वो बच्चे बारहवीं के बाद उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है क्योंकि वो सब 99% वाले बच्चे आ गए एक रूटीन है वो पीछे बस्ता लड़का के आते हैं अभी कॉलेज में भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ कर दिए ना कि सर मेरे 55% थे ओबीसी कोटा मुझे 5% मिल गया था और इस पर मेरे को ऑनर्स मिल गया था मिल रहा था और नॉर्थ कैंपस में भी मिल रहा था मैं आलस में नहीं गया कि यार चलना अब एडमिशन हो गया कौन चेंज कराया कौन सी सदी की बात है भाई भाई मैंने 2009 में एडमिशन लिया था तब ऐसा तब भी होता था ऐसा हाँ तब की बता रहा हूँ अरे आज आज को अब तो नाइन तो फाइव ये भी बेचारा कहते हैं एडमिशन नहीं हुआ अरे नाइनटी नाइन परसेंट वाला बच्चा है को भी कोई ये श्योरिटी नहीं है कि कहाँ जाएगा भी कहता है कि दोबारा से एग्जाम मैं तो अपने बच्चे को बोलूँ सत्तर ला यार क्यों टेंशन लेनी है मतलब देखो या तो नाइन्टी लाओ उसके नीचे सब बराबर है सही अच्छे मज़े ही कर लो लाइफ में है। 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 <laughs> कुछ नहीं आई आई टी में क्या लगता है की पहुंचने में इतनी पढ़ाई हो जाती है की फिर ना लड़के बोलते हैं अब नहीं पढ़ना मतलब कई बार माँ बाप भी ना गलत बोलते थे ना कि बस बेटा आई आई टी क्रैक कर लो उसके बाद लाइफ तो बंदों को लगता है लाइफ सेट है अब तो मैं क्या पढ़ूंगा तो मेरा भी यही था कि जब करा आई आई तो मेरे को पहले सेमेस्टर में लगा अब अब तो नहीं पढ़ना भाई बहुत पढ़ लिया मतलब लगवा रखी है दो साल से हम तो मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरे ना सेवन पॉइंट थ्री सी जी पी होती है मतलब सेवन दस में से सेवन पॉइंट थ्री आई तो फिर मेरे को तब मेरे को ना थोड़ा झटका लगा कि यार ऐसे नहीं होने वाला ये तो आई ना एक धोखा है ठीक है जो हर लेवल पर आपको बोला जाएगा अब सेट है अब सेट है ठीक है और फिर तुम्हारे को ऐसे पीयर ग्रुप में फेंक दिया जाएगा जहाँ पे हर कोई थोड़ा शाना है लड़का कुछ फोड़ रहा है तो तुम मतलब धीरे धीरे उस दलदल -दल में फंसते जाओगे कि यार सला साइड वाला भी फोड़ रहा है मैं कैसे नहीं पढ़ूँ ये इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी मेरी नहीं लगेगी एम में चला जाएगा एम एस कर लेगा तो ना वो बस माँ बाप तुमको एक धक कीचड़ में धकेल रहे हैं उसके बाद तुम खींचता रहेगा तुमको अंदर ही वो तो फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरे को लगा यार कि अब बहुत हो गया अब पढ़ना है उसके बाद मैंने नैली मारनी शुरू करी तो मैं ना बहुत नैली मतलब नाइन आउट ऑफ टेन नब्बे परसेंट है नैली बोलते हैं तो और मतलब अगर तुम्हारे एफ ग्रेड आ रहा है तो उसको फक्का बोलते हैं ठीक है तो उसके बाद मतलब मैंने इतने मारने शुरू कर दिए फाइनल सेमेस्टर में जब सबकी नौकरी लग चुकी होती है या एम की कॉल आ चुकी होती है एम का पता होता है या आई एम जाना है तो कोई नहीं पड़ता हो गया अब तो जिसके लिए आए थे वो मिल गया मैंने उस सेमेस्टर में दस मार दी मतलब फुल फुल टेन आउट ऑफ टेन तो अब मजे की बात क्या थी कि मैं पहले सेमेस्टर में थोड़ा वेला पंती कर ली थी तो सेवन पॉइंट थ्री आई थी तो मैं कैचअप करके ना जो डिपार्टमेंटल रैंक वन था लास्ट सेमेस्टर में उसके पास पहुँच गया हुँ. और जब मैंने दस मार दी तो मैं डिपार्टमेंटल रैंक वन हो गया हुँ. तो भाई वो लड़का तो रो दिया प्रॉफ को जाके <laughs> कि मैं मतलब सर ये तो मेरे साथ धोखा हो गया मैं मतलब आठ सेमेस्टर होते हैं सात सेमेस्टर तक मैं इससे आगे था चतुर। हाँ, हाँ चतुर ही था वो तो, तो आखिरी आग, में आगे निकल गया अब मैं तो दस ही मार चुका था तो मैं तो उससे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता था उसने क्या करा अपने एक प्रोफ को बोल के अपना एक ग्रेड बढ़वा लिया तो मैं ना दो घंटे तक डिपार्टमेंटल रैंक वन था हाँ। फिर उसके बाद फिर से टू पे आ गया

लाइफ में पढ़ाई गया, गया नहीं, नहीं नहीं ये पहले क्रश से थोड़ी है कुछ तो हो, इंतकाम लिया होगा आपने कैसे कैसे कुछ तो हुआ होगा कि ऐसे टॉप कैसे करना है आप चिल कैसे नहीं नहीं यार वो कीड़ा कीड़ा तो अधिक मेरे को तो यार सिंपल सी बात है बड़ा घर चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए और टोट बंदी चाहिए तीन चीजें चाहिए होती सबको ठीक है चाहे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो चाहे आई टी में पढ़ लो तो एक ही चीज चाहिए <laughs> बताओ क्या <laughs> <ग्लो टेक। laughs> वो तो मिल गया भाई बस खत्म आपका जीवन अब आपका जीवन खत्म हार गया तो तो कीड़ा था यार हमेशा से कि कुछ करना है मतलब रन ऑफ द मिल नहीं बनना है तो सर स्कूल में या कॉलेज में आपका कुछ कोई पैशन वैशन कुछ नहीं यार ये कुछ ये कुछ <laughs> भाई प्रॉपरली कुछ नहीं करता था भाई मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करी कोई स्पोर्ट्स नहीं करा ठीक है आ, पढ़ते ही रहे यार साला दसवीं ग्यारहवीं तक तो पढ़ाई थी इतना पढ़ना पड़ता था आ, तो पढ़ते रहे मैंने कोई ड्रामेटिक्स नहीं करा तो टी वी भी कैसे पहुँच गया मेरे को अब थोड़ा लगता कि पानी ख़राब था बट कुछ किया नहीं मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ वगैरह मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे जीरो था मतलब ऐसा हो जाता है ना कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं अचानक से कुछ दिमाग में आता है कि वो अच्छा लगने लगता है करते करते तो ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि कुछ अच्छा लगने लगा फिर सोचा कि ये करूं फिर आ, नहीं ठीक है पढ़ाई कर लेता हूं वापस ऐसा नहीं नहीं यार कुछ होता ही नहीं था मेरे से और <laughs> पढ़ाई होती थी ढंग से जैसे <laughs> मेरे लगा वही करूँ मैं कॉलेज में था ना तो मैंने दो चार दिन सुबह जल्दी जाने लगा मेरी क्लास जल्दी होती थी तो मैंने देखा बॉक्सर्स जो कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे उनको देखा यार बड़े मजे करते थे वहीं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी वहीं पीछे नहा लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने घर आके पापा को बोला उस तरीके से गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था जब नाइन्थ क्लास में था तब से गाड़ी चला रहा हूँ तो हमारा एक, एक ड्राइवर होता था सबसे पहले मैंने एम्बेसडर पे सीखी थी गाड़ी चला तो यहाँ पे गियर होते थे उसके और फिर मेरे नाना जी के पास एक गाड़ी थी

फिर से वही सवाल अबे क्या <laughs> क्या भाई भाई मेरे मन में है भाई, मैं क्या तुम पूछ आप पूछ तेरे पूछ आपकी कितनी नहीं है? कितनी एक ही रही यार <laughs> बोला तो एक हफ्ते के लिए रही थी उसके बाद कोई नहीं नहीं उसके बाद कोई नहीं, नहीं, बाद कोई नहीं। तो फिर मैं एक साल एक साल मैं आईआईटी में फ्रांस चला गया था वो वहाँ के किस्से अच्छे हैं तो तो मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में चला गया तो होता क्या था कि आईआईटी में अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते थे तो एक कुछ बच्चे इधर यहाँ के वहाँ के बच्चे यहाँ यहाँ के वहाँ और बड़े ही अच्छा प्रोग्राम था कि वहाँ के बच्चे वहाँ की फ़ीस दे के आ रहे हैं और आप यहाँ पे फ़ीस दे के जा रहे हो तो कुछ नहीं देना तो मतलब जो यहाँ पे देनी थी वही देनी थी हाँ। आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता था ऊपर से उस साल कुछ हुआ मेरे को छः हज़ार यूरो की स्कॉलरशिप भी मिल गई बाहर जाने के लिए तो मतलब मैं बाहर पढ़ रहा था दिल्ली के रेट पे पैसे दिए थे फ़ीस और हॉस्टल के और छः सौ यूरो महीने के मिलते थे महीने के महीने के छः सौ तो मैंने दबा के यूरोप हज़ार रुपये हो गया महीने का दबा के यूरोप घूमा है और एक साल हाँ और वहाँ पे यूरोप में अलग ही मजे थे यार मतलब फ्रांस में मेरा कैंपस था तो पहले तो फ्रेंच सीखनी थी तो मैं मेरे को फ्रेंच आती है मतलब वो एक चीज़ है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है क्योंकि मैंने एक पूरा साल इंजीनियरिंग फ्रेंच में करी है तो पहले पहुँच गए गर्मियों की छुट्टियों में ही क्योंकि पहले फ्रेंच सीखनी थी क्योंकि उसके बाद कोर्स फ्रेंच में होना था तो एक फ्रेंच का हमारा प्रॉफ्ट भी बहुत सही बनता था वो मतलब एकदम चर्सी टाइप होते नहीं है वो क्या बोलते <laughs> उसको ड्रेड लॉक बोलते हैं वो हाँ ड्रेड लॉक वाला बंदा था वो दो महीने साल में फ्रेंच पढ़ाता था दस महीने साउथ अमेरिका में सर्फिंग करता था यही थी उसकी लाइफ अंग्रेजों हाँ। भाई वो फालतू नहीं सोचते दादाजी क्या सोचेंगे हाँ। मामा क्या सोचेंगे बट तो तो वहाँ पर बहुत मजे किए वो फ्रांस में एक करके शहर था बहुत ही सुंदर शहर था भी बहुत सी ऐसी आती थी कमाल की मतलब मिस मिस <laughs> हाँ। हाँ। तो, तो तो चीख पे पैक करना पड़ता था मतलब एक चुम्बी देनी होती है लेफ्ट पे फिर राइट पे जो होती है ऐसे हाँ मतलब वो वहां पे हेलो बोलने का तरीका है तो हाँ तो मज़ा तो बहुत आता था हमको को बोला ये तो बढ़िया चल रहा है ठीक है तो अब क्या हुआ कि एक हमारे साथ जो एक लड़का गया था उसकी बुआ आई तो बुआ ने बोला चलो मैं तुमको खाना खिला के लाती हूँ तो को खाना खिलाने लेके जा रही है सामने से कोई बंदियों का ग्रुप आ गया तो हमने ऐसे हेलो करा तो भाई बुआ ने आके तो दिल्ली में रिपोर्ट दे दी कि बच्चे <laughs> तो ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं असली लोग बट मस्त था मैंने कुछ दस बारह कंट्री घूम ली वहाँ पर और मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करिए ना बेवकूफ वाली मतलब तुमको विश्वास उठ जाएगा इंजीनियरिंग <laughs> मतलब एक बार क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड घूमने गु, चले गए अब पैसे तो बचाने होते हैं स्टूडेंट हैं और देसी बंदे हैं ठीक है तो अब हम स्विट्जरलैंड में किसी खेत में घूम रहे हैं कोई दो बंदे आ गए बड़े बड़े चार कुत्ते लेके मतलब ऐसे कुत्ते थे छोड़ दिए ना तो खा जाएंगे तो बोल रहे हैं कि यू आर ट्रेस पासिंग तो हमने बोला सॉरी सर हमको लगा ऐसे खेत है हम चढ़ लें तो हमने बोला ठीक हम निकल लेते हैं अब एक रेलवे ट्रैक है एक टनल है और उसके दूसरी तरफ एक दूसरा शहर दिख रहा है अब देसी बंदे हमने बोले रेलवे ट्रैक पे चलते हैं दूसरी तरफ पहुंचेंगे टनल से भाई चार मतलब तुम सोच ले हाई कैलिबर आई के बंदे टनल में घुसे हैं एक तरफ से और एकदम से ना मतलब कांपने की आवाज़ आई

भाई एक घंटे तक हम बाइक चला रहे हैं हम बोल रहे मस्त शहर है यार साली रेड लाइट ही नहीं है यहाँ पे ठीक <laughs> है तो आ, बोला यार ये मस्त है साले तभी इटालियन लोगों को ना गाड़ी वाड़ी बनाने का शौक होगा कि मतलब खुले में घुमाओ जितनी तेज घुमाने घुमाओ फिर साला पता लगा कि पंद्रह बीस रेड लाइट तो हमने तोड़ चुकी है <laughs> क्योंकि हम तो ढूंढ रहे खंबे कि भाई एक पोल होगा उस पर रेड लाइट होगी सालों ने वहाँ पे वो तारों से लटका रखी रेड लाइट ऊपर हम दिहाने नहीं दिया तो ऐसी काफ़ी हरकतें की हैं वहाँ पे जैसे हम लोग अभी दुबई में थे तो दुबई में वही ना हम चलान यहाँ चलान नहीं कटता क्या टोल नहीं है क्या <laughs> तो वो कहता है वो देखो तो टोल तो 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 कट गया है वो खम्बे पे कुछ लगा <laughs> खम्बे पे लगा हुआ है और वहाँ होता ना वो नहीं होता एक फ्लैश आएगी आपकी आंखों के सामने ना हाँ। आपका चलान कट गया है हाँ ऐसा कुछ तो सीनियर लगे हाँ तो सर वहाँ पे आपने फिर कितने लड़कियों हेलो बोला <laughs> ये एक, एक हैदराबादी लड़का था मतलब आईटी का नहीं था वो किसी और कॉलेज से आया था करने के लिए वो बहुत लौंडेबाजी करता था वो साला पुलिस वाले का लड़का था वो अलग ही स्वैग था उसमें हार्दिक हार्दिक पांड्या टाइप था वो थोड़ा स्वैग में तो वही ही करता हम तो यार घूम लिए बट फिर कुछ नहीं है बट वापस आके फिर मैंने क्या किया मैंने बोले कि, कि अब साल अब तो बंदी पटानी पड़ेगी मतलब थर्ड ईयर में तक पहुँच गयो मतलब थर्ड ईयर भी खत्म कर लिया था मैंने वहीं पर फ्रांस में फोर्थ ईयर में पहुँच गए अब नहीं पटाई तो इसके बाद तो आई एम है मैं। वहाँ पर ही बंदियों की प्रपोशन और कम हो जाएगा उसके बाद नौकरी है तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में और एक करियर लॉन्चर आई के सामने भी था बट वहाँ पे ना बंदियाँ नहीं आती थी वहाँ पे सब अपने वो लॉन्डे लपाटे थे सब आई के बट करियर लॉन्चर वाले में ना बंदियाँ आती थी और एल की बंदियाँ आती थी वो पास में था <laughs> तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया तो वा, मेरी वाइफ माधुरी मेरे को वहाँ पे मिल गई तो अब वो भी संजोक की बात सुनो कि मैं को जिस बैच में जाना था मैं उससे पंद्रह मिनट लेट पूछता था मेरे को पता है। मेरे को कंफ्यूजन था कुछ तो मैं हमेशा गलत बैच में बैठता था और वो उस गलत बैच में ही आती थी संजो तो फिर वही तो बस वही मतलब पहले वाली गर्लफ्रेंड को तो गिनो मतलब हफ्ते से मेरे को लगता है एक महीने से कम वालों को काउंट नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए और तो पहली गर्लफ्रेंड थी थी फिर उसी से शादी कर ली पर ये था मेरे को आ, कुछ तो स्ट्राइक कर गया था कि शादी से करनी है तो मतलब हुआ क्या कि मैं उसको बोलता रहता चल डेट पे चल ले बिग चिल होता था तभी आ... तो सब डेट के लिए नहीं मैं उसको बोल उसके पीछे पड़ा रहता था, था अब मज़े की बात उसकी कॉलेज की फ्रेंड मेरी स्कूल की फ्रेंड थी ठीक है तो अब ये मेरी बीवी परेशान की यार ये कौन बंदा पीछे पड़ा हुआ है <laughs> तो उसको जाके बोल रही है यार तेरे स्कूल में कोई अशनूर अशनूर करके बंदा था ठीक <laughs> है तो मेरी, मेरी वाइफ को नाम भी याद नहीं होते <laughs> नॉर्मली तो वो सामने बंदी बोल रही है अबे अश्नूर नहीं था वो अशनिर था वो एम ही है उससे बच के रही हो ठीक <laughs> <laughs> है तो वो होता ना मतलब रिव्यू बहुत खराब आया <laughs> तो हाँ मतलब अगर नौकरी का रिव्यू होता तो नौकरी नहीं लगती वैसा रिव्यू था कि भाई उससे बच के रही हो बट मैं भी ढीड था मैन तो और मेरे को ये था कि शादी तो इसी से होनी है तो मतलब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि तू लिखवा ले मेरे से शादी इसी से होएगी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोल रहे यार तू सोच ले यार थोड़ा मतलब थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है मतलब ऐसे थोड़ा होता है बट इवेंचुअली शादी हुई उसी से जाने वो कैसे लोग थे। मेरे भाई। मतलब सर एक मतलब मैंने दो चार लोगों से और भी सुना है कि कि पहली नज़र में बोलते हैं कि शादी इसी से होगी तो उनकी हो गई मैंने भी बोला किसी को ना कि शादी से होगी उसकी भी हो गई किसी और से <laughs> हो गई <गयी> पर उसकी <laughs> ये होता है यार कि यार पता नहीं कैसे पहला प्यार पूरा हो जाता लोगों का नहीं पहला प्यार वाली बात नहीं है ऐसा होता है कि बहुत रिलेशनशिप की चलते हैं लेकिन किसी एक को देख के लगता है कि भले ही वो दस दिन पाँच दिन का हो कि हाँ इससे दि, 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 दिल जसली देने के लिए भी अच्छी बात है भाई ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है भाई इंटेलिजेंट लोगों की शादी जो चाहते हैं वहाँ हो जाती है बात सारी तो सर

<laughs> तो पंजू तो एंड बनिए ना अपने आप, आपको थोड़ा सुपीरियर कास्ट मानते हैं और उसमें भी जैन होते हैं उनके लिए तो मतलब वो सबसे सुपीरियर कास्ट है तो उसके मामा मामा बोल दिया ये तो रिफ्यूजी लड़के हैं मतलब मतलब मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने बोले रिफ्यूजी हैं ये तो और मैं सोच रहा हूँ सर मेरे तो घर में रहता हूँ मेरे तो टेंट में नहीं रहता ये क्या रिफ्यूजी चल रहा है तो बड़ा ही पंगा हुआ फिर मेरा आई एम अहमदाबाद में भी हो गया बट uh, उसके पेरेंट्स ना उसको वापस ले गए पानीपत वो पानीपत से है तो वापस पानीपत ले गए हाँ तो फिर दो साल फिर मैं एम बी ए करने आयाम चला गया तो तब तक भी ना ऐसे था कि उसके लिए लड़के देख रहे थे वो कि भाई कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हो जाएगी तो वो तभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है हाँ लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है बट वो लड़के देख रहे हैं उसके कि भाई मेरे पेरेंट्स को लड़के देख रहे हैं अब उनको मिला नहीं कोई तो फिर जब मेरे को नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप कर देते हैं बट वो आईटी की डिग्री से खुश नहीं थे मतलब उनको ये था कि आई में भी नौकरी जब लगेगी तब बात करेंगे हम ठीक रहा है सर आपने एक चीज़ तो बीच में छोड़ दी हाँ जब मैम को मैम को बोला गया कि दूर रही हो इनसे तो, तो तब कैसे हुआ कैसे फिर आपने क्या जैक लगाई <laughs> <laughs> नहीं यार मैं मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ मैं मतलब एक चीज ठान ली तो फिर लग जाता हूँ मैं पीछे

फ्यूचर में क्या हो सकता है मतलब हाँ मैं सीरियस हूं हां हाँ। और आई टी में भी हूं हूँ रिलेशनशिप को लेके सीरियस हाँ। लड़कियों को वो चाहिए होता है ना कि ऐसा कोई टाइम पास तो कोई नहीं करना चाहता आपको छोड़ गया <laughs> पता नहीं <laughs> पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए यार <laughs> तो समझ में आता नहीं है <laughs> तो सर अब वापस वापस क्या शुरू करते हैं किताब से सर दोगलापन पहले बात तो दोगलापन वर्ड के बारे में ये से जांच आपके दिमाग में

क्या बोलते हैं उसको सब कल्चर में चल रहा होता है hmm. वो पक, लोग पकड़ लेते हैं उस चीज़ को hmm. तो वो वर्ड फेमस हो गया अब पर मैं हूँ तो धंधे वाला बंदा मैंने क्या करा मैंने दोगलापन ट्रेडमार्क करा लिया hmm. तो मेरे पास ट्रेडमार्क है कोई दोगलापन कोई, बोल कोई बोलेगा ना एक झापड़ पड़ेगा <laughs> और पाँच हज़ार की टिकट कटेगी तो दोगलापन मैंने करा लिया फिर एंड मेरे को ये नहीं था कि क्या यूज़ कहाँ कर लूँगा बट मेरे को लगा चलो लोग मेरे नाम से एसोसिएट कर रहे हैं तो करा लेता हूँ फिर जब किताब लिखनी शुरू करी इस साल शुरू में तो मैंने बहुत टाइम तक डिबेट करा मेरे को लगा है दोगला पर नाम अच्छा है मैं नाम ना थोड़ा सोच के रखता हूँ मेरे को लगता है कि ब्रांडिंग में नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है तो भारत पे भी जैसे कंपनी थी आधा टाइम दुकानदार को लगता था सरकारी कंपनी है भारत नाम <laughs> <लगता> है। <laughs> और मैंने बोल रखा था अपने लड़कों को चाहे उसको सरकारी लगे चाहे प्राइवेट लगे तुमको उसको ठीक नहीं करना है जो लगे लगे माल बेचो क्या बात ठीक है फिर एक मैंने बनाया था पोस्ट पे करके की अभी खर्चो बाद में देना पोस्ट पे तो वो भी नाम में ही इंटिव था एक मैंने बारह परसेंट क्लब हाँ, करके बनाया था हाँ। कि भाई तुम पैसा लो पैसा दो बारह परसेंट ब्याज लगेगा तो, तो मेरे को नाम नाम मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो बुक का भी मैंने नाम रखा ठीक है मीम चल रही है हर हाँ। जगह दोगलापन लिखा हुआ है तो दोगलापन के नाम से बेचो बिकना चाहिए भाई तो सर इस किताब के बारे में मतलब हमें पता चला

कि आप किसी से पढ़वाते हो पहले फिर वो लिखता है वो ashneel is very good हां वो पीछे पीछे छापते हैं मैंने बोला किसी तो को नहीं पढ़ा नहीं भाई <laughs> किसी तो को पता लग गया अंदर क्या तो लीक हो जाएगी बात हाँ। तो इसमें किसी का रिव्यू नहीं है किसी को मैंने अभी पढ़ने के लिए नहीं दी चैप्टर पढ़ के भी समझ नहीं आएगा मतलब क्रिप्टिक से चैप्टर रखे हैं कि अंदर नाम किसका लिए जो जिसके लिए होगा उसे समझ में आ जाएगा हाँ अनि उसकी उस, हाँ जिसका लिया नहीं जिसका लिया तो सामने से लिया पूरा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करी नाम में ठीक है अच्छा आ, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब क्या के लिए है जिसकी भी लिए है तो दूसरा क्या है कि पीछे ना किताब के पीछे लोग इंडेक्स लिखते हैं हाँ। इंडेक्स में क्या होता है कि आपको अगर अपना नाम ढूंढना है तो आप जैसे लिखा है कि संयम के बारे में अगर सपोज कहीं लिखा है मतलब तो आप

लोग ना अंग्रेजी सिर्फ सफेस्टिकेटेड बनने के लिए बोलते हैं ठीक है और जिसको ज़्यादा सफेस्टिकेटेड बनना है वो ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड बोल देगा या आ, थोड़ा एक्सेंट में बोल देगा किसी का ब्रिटिश एक्सेंट है किसी का ब्रिटि ब्रिटिश पंजाबी एक्सेंट है किसी का कैनेडियन पंजाबी एक्सेंट है बट नॉर्मल uh, बात तो यार बंदा हिंदी में करता है मतलब मेरे को तो नहीं पता कि मैं आई में भी जो अपने बैचमेट से था उसके साथ अंग्रेजी क्यों बोलूँगा हाँ ठीक है कोई साउथ का लड़का है उसको उसकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है मैं समझता हूँ राइट बट इन जनरल हिंदी में ही बात करते हैं बट uh, थोड़ा ना ऐसे, ऐसे समझा जाता है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कम पढ़ा लिखा है हुँ। हुँ। तो 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 वो थोड़ा ब्रिटिश एरा का है। है पर ठीक अब तो प्रधानमंत्री भी अपना भेज दिया तो हो, हो थोड़े दिनों में एक और चीज सर मेरे को पूछनी थी आपसे पर्सनली आजकल

वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो गया है ठीक है किसी को दो घंटे की पिक्चर नहीं देखनी राइट मतलब हो सकता है कि कौन सी पिक्चर आई थी वो राम सेतु हाँ। वो तीन लाख लोगों ने देखी हो बट ये जो, जो हमारा पॉडकास्ट आएगा वो करोड़ों देख लेंगे डेटा ट्रिपन है तो अब लोगों को छोटा फॉर्मेट कंज्यूम करना है एंड छोटे फॉर्मेट में क्या है कि टॉपिकल बात होती है कि भाई आज कुछ घटना हुई थोड़ी देर में रील आ गई थोड़ी देर में पॉडकास्ट आ गया कल तक मैंने कंज्यूम कर ली फिर कल की बात पे बात होगी पिक्चर बन रही होती है कुछ तीन साल चार साल चार हजार साल पुरानी की पुरानी चीज पे, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता ठीक है तो अब थोड़ा सा ना फिल्म स्टार थोड़ा स्ट्रगल करने वाले हैं बट आ जाएंगे यहाँ पे अगर कोई आ जाएगा मतलब बिठा लेंगे हम भी है ना इंटरव्यू कास्ट में लेंगे कर लेना ले तुम हुँ। हुँ। कर लेना मैं मैं सपोर्ट करूंगा तुमको अब बस कर, हो गया कर देना बाकी हम देख लें सर बॉलीवुड की बात करते हैं आप खाली टाइम में फिल्में वगैरह देखते हैं बहुत देखते यार रीसेंट पास्ट लास्ट आपको कौन सी फिल्म मजा आया सिनेमा घर में देखने मजा आ गया अब तो बस यार ये थी सिनेमा घर लायक जैसे आजकल सिनेमा पे खराब है मेरे को ना जोया अख्तर की पिक्चर बड़ी पसंद है एक तो उसमें गरीबी नहीं होती मतलब <laughs> ये वो अमीरी अमीरी है। दिखाते हैं मतलब हाँ। थोड़ा एक लाइफ में गोल्स बनते हैं कि यार हम भी जाएंगे क्रूज पे हम भी हाँ। जाएंगे क्या पडोशिया हाँ। क्या पडोशिया जो भी होता है तो मेरे को लगता है उसकी पिक्चर बड़ी अच्छी होती है दिल धड़कने दो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोनों बड़ी मस्त पिक्चर लगी मेरे को गली बॉय

उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फ़ोटो नहीं खिंचवानी सर थोड़ा बुरा मान जाते मैंने साले मैंने बोलो नहीं खिंचवाऊंगा फोटो में ना तू <laughs> <laughs> मतलब ऐसी कौन सा हीरोपंती ही हो गई कि बट बंदा बहुत स्मार्ट है मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि आ, हवा में है बंदा बहुत जेनवनली बहुत स्मार्ट है उसको बिजनेस समझता है उसको ब्रांडिंग समझती है उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है तो जब हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया था यार देखो मेरे को ना तुम स्मॉलर देन मतलब लार्जर देन लाइफ ही दिखाना क्योंकि कह रहे हैं मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट वो पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया <laughs> और वो जनता को पसंद नहीं आता <laughs> राइट तो एंड मेरे को लगा बहुत सही बंदा है अगर इसको अपनी ये ये सब चीज़ों की रियलाइजेशन रेल, है ना तो बहुत सही है तो मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द मूवी स्टार इनका एक्सपोजर इतना हो जाता है स्पेशली जो खान है तो बीस पच्चीस तीस साल हो गया यार इनको काम <laughs> करते हुए इनका एक्सपोजर इनको चीज़ें जो पता है वो अलग लेवल की हैं और बहुत स्मार्ट लोग हैं सबके साथ फोटोजा हमें याद आया भारत पे में आपने सारे क्रिकेटर्स को साइन किया था फोटो किसी के साथ नहीं है विराट कोहली को आपने साइन नहीं किया विराट कोहली के साथ विराट, विराट कोहली के साथ फोटो यार मैं ना मेरे को ना धंधा करते हुए बहुत मजा आता है ठीक है उनमें बहुत मजे लेता था लोगों के तो एक बार क्या हुआ कोई एजेंसी वाला आया वही जो ब्रोकर होते हैं दल्ले तो वो बोलता है कि आके आपको नहीं बोला नहीं मतलब होते हैं ना <laughs> मतलब अच्छी तरह अच्छे, अच्छे होते उनका काम है मतलब वो नहीं आएंगे तो हम हमको भी कहाँ से हाँ प्लाट हम भी कहाँ से खरीदेंगे सही बात है तो वो आए मेरे को बोलते हैं कि सर ये आई की टीम है मैं आपको यहाँ पे लोगों दे दूँगा यहाँ पे दे दूँगा राइट चेस्ट लेफ्ट चेस्ट शोल्डर ये वगैरह बेचने लग गए तो मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही थी मैं बोला सला सब कुछ आईपीएल में सब कुछ तो बेच दिया इन लोगों ने और मेरे को मैंने उसको क्या बोला मैंने बोला देख

अब अगर किसी ने पिछवाड़ा लिया तो मेरे को लॉयल्टी मिलनी चाहिए ठीक है <laughs> तो मैंने सीरियस था मैं मतलब दस टीम की मेरे को देता मैं दस करोड़ रुपये दे देता उसको लगाने के लिए पर लोगों में विजन नहीं है ना जो मैं देख पाता हूँ देख नहीं पाते लोग <laughs> तो वही प्रॉब्लम होगी सर मैं लगवा दूंगा ना <laughs> <laughs> एक तरफ फिर, फिर उसको लगा कि ये सर मेरे मजे ले रहे हैं तो फिर उसने मेरे को बोला कि सर नहीं नहीं आप ना विराट कोहली को ले लो तो फिर मैंने बोला चल विराट कोहली को ले लेते हैं उसने एक अमाउंट बोली एक्स अमाउंट अभी बोलूंगा नहीं वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा फिर मैंने फिर बोलता है कि आप अनुष्का को भी साथ में ले लो मैंने बोला मैंने कौन से मानेवर के <laughs> लहंगे मतलब तो पहनाने और <laughs> मतलब शेरवानी बेचनी है वो मानेवर वालों ने कर लिया एक बारी तो फिर मैंने बोला नहीं और कुछ और प्लेयर बता तो बोलता है उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं है ठीक है मैंने बोला सर किसी की औकात नहीं है कह रहा हाँ जी किसी की औकात नहीं है मैंने बोला एक काम कर जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना उसको डिवाइड बाई टू कर इस नंबर पर मेरे को ग्यारह बाकी प्लेयर ला दें और मैंने वही डील करी फिर ग्यारह प्लेयर लिए कोहली डिवाइडेड बाई टू के नंबर पर ठीक है अब मजे की बात सुनो मेरे पास किसी के साथ फ़ोटो नहीं है मैं शूट पे ही नहीं गया एक ही फ़ोटो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आई थी वो कोहली के साथ बात करती हुई थी और जब कोहली के साथ बात कर रहा था ना मैं उसको यही किस्सा सुना रहा था <laughs> कि मैं, कैसे आप यू you नो know, आपको मेरे को बेचने आए थे और मैंने ग्यारह बाकी प्लेयर ले लिया आपको नहीं लिया और कोहली जी बोला इट्स वेरी गुड बिजनेस वो तो है यार आप कर लो भाई क्यूआर के <laughs> मैं क्यूआर लगवा दूंगा कहां लगवा दूंगा <laughs> मैं टैटू बनवा लूंगा आईडी हाँ से एकदम <laughs> और मेरे को डिवाइड बाय अदर टीम के भी टू कर दूंगा <laughs> <वो बार। laughs> और सर बॉलीवुड से मैंने एक किस्सा सुना है कि हां कोई कोई को एक्ट्रेस है जिससे जिसकी, जिसकी वजह से आपका डाइवोर्स होते होते बच्चा वो हाँ वो किस्सा है कि

उसमें देखेगा वो आ, सोनम कपूर एक बंदी को ग्यारह नाम से बुलाती है अलग अलग डायलॉग में सेम ए से नाम शुरू हो रहे हैं बट कभी अंकिता कभी आशमा कुछ बोल देगी तो आ, एक बारी क्या हुआ कि मेरी वाइफ की एक फ्रेंड आ रही थी बाहर से उसका भी अभी बच्चा हुआ था एक महीना हुआ था बच्चे में तो वो बच्चे के साथ आई अपने पेरेंट्स को मिलने कैनेडा से आई ठीक है तो उसने अपने को अपने घर बुलाया तो हम उसके घर गए उसने दरवाज़ा खोला अब उसका ना क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी सीजेरियन हुई थी तो उसमें थोड़ा पेट रह जाता है लोगों का थोड़े टाइम तक तो उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी वाइफ एकदम से तो उसको बोलती है यू आर प्रेगनेंट अगेन और उसकी फट ली एक तो मतलब बॉडी शेमिंग कर दी ठीक है और तूने मतलब मेरे को समझ कर रखा मतलब अब एक एक महीने का पुराना बच्चा मैं एक और दूसरा पैदा करने लग जाऊंगी और भाई साहब उसके पापा ना सरोजनी नगर से पकोड़े लेके आए थे कि बेटी कनाडा से आई है इसको खिलाएंगे अब अच्छी तरह उस बंदी ने एक पकौड़ा नहीं छुआ मैंने जो पे ले ना उस दिन पकौड़े <laughs> <laughs> तो और एक बारी क्या हुआ कि शार्क टैंक का ही किस्सा है शार्क टैंक में गए तो क्या कहते हैं वैनिटी वैन मिली हमको तो आ, और हमारे ना कॉस्ट्यूम वगैरह वो मेजरमेंट ले गए थे तो यंग दो यंग सी डिज़ाइनर लड़कियाँ थी वो आई बोलते कि सर आपकी कॉस्ट्यूम रेडी है हम पहना दें तो <laughs> तो मैं <laughs> हाँ बिल्कुल तो आप आप <laughs> <थीके? laughs> तो, कोई आपका मतलब कॉफी लेके खड़ा है दो बाउंसर ऐसे वेले घूम रहे हैं पता नहीं क्यों हमको तो कोई मारने आ नहीं रहा था कि क्या कर रहे हैं वो और कोई छाता लेके खड़ा है कोई आपका कोट लेके चलेगा पहनाएगा तो बोला ऐसे ऑनटराश था मतलब एक फील आती थी कि आप सुपरस्टार हैं तो अब मेरी वाइफ को लगा कि यार ये डिजाइनर डिज़ाइनर तो बहुत फ्रैंक हो रही है यहाँ पे तो उसने जाके प्रोड्यूसर को बोला देखो जी ये मिडिल क्लास लड़के हैं <laughs> ये आई आई में पढ़ते थे ठीक <laughs> है आप इनको क्या दुनिया दिखा रहे हो ये कौन सी दुनिया है आप ऐसा करो आप अपना भी खर्चा बचाओ सब कुछ ये स्टाफ आप कम कर दो आप hmm. मतलब उसका मतलब था डिजाइनर कम कर दो भाई अगले दिन आए छाता लेगी नहीं खड़ा कोई और अमन गुप्ता बोल रहा है कि सर आपकी बीवी हर रोज आएगी अब

वो कॉमेडियन है सबके सब ठीक है सबको कॉमेडी बेचनी है तो तो मतलब कोई अपना रिसर्च नहीं करता कुछ नहीं करता वो पकड़ लेते हैं इसकी इसके पीछे पढ़ना है तो इसके पीछे पड़ जाते हैं तो जब मेरे अपने बोर्ड के साथ लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी थोड़ी ऐसी खबरें आती रहती जिनका कोई वजूद नहीं था नहीं। अब मज़े की बात सुनो वो तो टेबल है दस सीटर ठीक है दस करोड़ नहीं दस सीटर दस लोग बैठ सकते हैं सी, है। सी सी, सी ओ, वो स्पेलिंग उनको लगा ना सीटर की स्पेलिंग आ, भी वही होती होगी सी करोड़ सी से स्टार्ट होती होगी हुँ, हुँ, और तो आ, अब किसी ने लिखा कि और वो डेढ़ सौ किलो की है तो अब लोगों ने क्या मैच लगाई मैच मैच बहुत जरूरी लाइफ में तो किसी ने तो दस पकड़ लिया वहां से किसी को लगा डेढ़ किलो की टेबल है तो किसी ने ना के की जगह समझ लिया वन फिफ्टी समझ रहे हो मतलब एक बंदा होता है ना उसके साथ आप छोटा नंबर सोच नहीं सकते आप बड़ी चीज़ सोचते हो तो वन फिफ्टी के लो की टेबल क्यों होगी वन फिफ्टी के डॉलर्स की होएगी तो उसने सत्तर से मल्टीप्लाई करा तो वो बन गई एक करोड़ की टेबल बट फिर उसको लगा नहीं एक ज़ीरो अभी भी कम लग रहा है एक ज़ीरो और लगाते हैं तो दस करोड़ की टेबल बन गई वो कुछ नहीं यार पाँच लाख की टेबल है और मैंने भी डिस्काउंट ली थी तीन लाख की मिली थी

क्या मजा आता गांजे <laughs> सर पहले क्लियर कर दो इसकी तो इमेज खराब है आपकी लिए <laughs> नहीं, नहीं मैं मैं ना ना मैं दारू पीता हूँ ना मैं सुट्टा मारता हूँ ना मैं गांजा फूँकता हूँ ना कुछ सूखे नशे करता हूँ कुछ नहीं करता मैं उ, उस तरीके से सूफी आदमी हूँ पर इस पर एक सवाल है मेरा कि सर जैसे ना ये दिखता भी है और बोलते भी हैं कि यार किसी के साथ अगर जैसे आपको कनेक्शन बनाना है तो वो ड्रिंक पे बनते हैं स्मोकिंग पे बनते हैं Uh, किसी ग्रुप में घुसना है तो ऐसे घुसना होता है तो आपका क्या तरीका रहता है फिर अगर कहीं घुसने ही नहीं किसी ग्रुप में क्यों घुसना है, है कि लोग ना बहाने बनाते हैं ठीक है, पीने के, हाँ. है? हम तो सोशल हैं हम तो ओकेजनल ड्रिंकर हैं हम तो एक ग्लास लेके बस खड़े रहते ख़ड़े हैं। रहते हैं सही कहते हैं वो सही बातें हैं वो तो ये बातें चल रही होती हैं ठीक है कि यार ऑफिस में लोग नीचे टपरी पे जा रहे होते हैं हम ना जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता ठीक है मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है टीम बिल्डिंग वीक हो जाती है सब बकवास की बात है मतलब एक तो मैं डे स्कॉलर था मतलब मैं आईटी के हॉस्टल में नहीं था तो आदत वहीं अच्छा। से पड़ती है मेजरली हॉस्टल से आदतें है पड़ती हैं तो मेरे को वहाँ से पड़ी नहीं ऐसा नहीं था मेरे फादर स्मोक भी करते हैं मेरे फादर ड्रिंक भी करते हैं मेरे घर आओगे डेढ़ सौ लीटर दारू मिल जाएगी तुमको आराम से आएंगे आएंगे <laughs> 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 तो तो बट कभी मेरे पढ़ा ही नहीं कोई मतलब मेरे जो दोस्त यार थे वो भी इसमें नहीं पढ़े और मेरे को लगता है एक उम्र के बाद ना फिर वो जब, तो जब आदत नहीं लगी तो नहीं लगी बस। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कि ऐसे सर्कल में बैठते हैं और आप नहीं पी रहे ऐसा कुछ अकेला पन होता होते मुझे होता है ये अब नहीं नहीं खाते हैं बस नहीं नहीं मैंने मैंने बहुत स्मार्टनेस करी बीरा जब शुरू हुई थी मैंने शुरू शुरू में ही पैसे डाल दिए थे बीरा में ठीक है अब कोई दारू पी रहा होता है ना मेरे को बहुत मजे आते हैं कि तू पी मेरे तो मेरे दिमाग में तो कैश रजिस्टर रिंग कर रहा होता है कि मेरे पैसे बन रहे हैं मैंने इस हिसाब से तो बहुत बता दिया तो सर कभी तो कुछ ट्राई तो किया होगा एक दो बार

काफ़ी लादू नहीं है यार तीन चार गाड़ियाँ हैं तुमने तुम ले 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 तो मतलब लिए तो 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 हम काफी सब सर हमारे बड़ा भाई ले गया आज से जा रहे हैं <laughs> नहीं नहीं मेरे को ना एक तो गाड़ियों को शौक है ठीक है और मेरे को नहीं सबको ही है तो जैसे एक जोमेटो का फाउंडर है दपेंदर सबसे ज्यादा शौक़ उसको था तो उसका कोई भी जब भी उसका राउंड रेज होता था ना उसकी नई स्पोर्ट्स कार आ जाती थी तो चला हम बड़े चिड़ते थे बैठ के यार ये बंदा सही है सला बड़ी गाड़ी चलाता है उस मतलब दस साल पहले भी वो स्पोर्ट्स कार चलाता था फिर मैंने अलबिंदर के लिए काम किया ग्रोफ़र्स में वो भी बैचमेट था तो उसके भी एक दो राउंड हुए उसने भी रेंज रोवर वगैरह ले ली तो मेरे को भी कीड़ा था कि चला गाड़ी तो मेरे को भी बड़ी लेनी है आ, तो आ, बट मैं मोस्टली गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदता हूँ उसमें मेरे को लगता है यार एक तो नई गाड़ी ना थोड़ा दिल पसीद सा जाता है बाहर निकल के कोई स्क्रैच वैच मार देना मतलब हफ्ता भर तुम्हारा तो मूड ही खराब रहता है कि यार साला स्क्रैच लग गया सेकंड हैंड में ना एक दो स्क्रैच वैसे ही लगे होते हैं तो तुमको लगता है ठीक है <laughs> एक और लग तो, तो क्या बात है और तुम तो खुले होके चलाते हो गाड़ी थोड़ा नई गाड़ी में थोड़ा टाइट होना पड़ता है तो मैं और दूसरा क्या मेरे को ना वहम हो गया गाड़ियों का मेरे को ऐसा लगता था कि मैं साला जब गाड़ी खरीदूंगा नहीं ना तो मेरा राउंड क्लोज नहीं होगा ठीक है मतलब बहुत ही नॉन इंटिव सी बात है कि साला आई टी आई एम का मतलब साइंस वाला बंदा ऐसी बातें कर रहा है बट कई बार तुम्हारी कोई चीज़ अटक जाती है और अच्छा शौक है मतलब शौक़ भी पूरा आ, हो रहा है और अच्छा वह है ना तो जब मैं मैं क्या करता था मेरा राउंड क्लोज होने से पहले मैं गाड़ी लेता था तो मैंने पहले जी ली ठीक है उसका नंबर भी ज़ीरो जीरो जीरो सेवन था और वो झारखंड की गाड़ी है तो वो डीलर मेरे को बेच गया कि सर ये तो धोनी की गाड़ी थी मैं, मैं भी सोच रहा हूँ यार नंबर भी वीआईपी है झारखंड भी है झारखंड में तो एक ही वीआईपी है धोनी <laughs> तो इसी की होगी तो मैंने मैंने बोला हाँ खरीद लेता हूँ मेरे को नहीं पता उसकी थी या नीसी की थी कोई कोई तो रियल स्टेट कंपनी की थी पता नहीं उसने धोनी दो, की फ्लैट नहीं दी क्या किया तो वो एक गाड़ी थी फिर मैंने एक मे खरीदी थी उसका नंबर

तो पोर्शे भी सेकेंड हैंड है और उसका नंबर भी वी नंबर ही है क्योंकि वो पोर्शे के एम एन मॉडल है और उसका नंबर है सेवन वन तो एंड ऐसा नहीं कि मैं ढूंढ वीआईपी नंबर की गाड़ी संजोग है सर के संजोग। की जिंदगी है संजोग। संजोग। लिखा हुआ सब सर एक सवाल कि बेस्ट फ्रेंड्स आपके हैं कितने हैं और

ऑल थिंग्स होनी चाहिए ठीक है कि तुम्हारे साथ बीस इक्कीस साल से तुम्हारी दोस्ती है वो तो निभानी चाहिए तुमको तो वो मेरे को थोड़ा सा एक दर्द है बट ठीक है यू नो you know, अब तुम्हारे साथ दोस्ती बना रहा हूँ <laughs> बना रहा हूँ मैं तो मान चुका हूँ <laughs> देखो अब मैं डाउनफुल में साथ हूँ तो ऊपर <laughs> हाँ, तो मैं साथ वापस कर दो यार मतलब मैं क्यों कितने के पीछे

एक और मेरा सवाल था हाँ। एक बोल था कि सर शार्क टैंक का पहला सीजन में आपते बड़ा सर टीजर आया मैंने आपको आप दिखे नहीं मैंने वो फिर पीछे करके देखा स्लोमो में देखा कहीं तो पीछे बैठे होंगे ऑडियंस <laughs> आप कहीं नहीं दिखे नहीं नहीं यार ऐसे ही है कि देखो अब मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा बट सिंपल सी बात है कि अगर कोहली मतलब भोपाल की टीम से खेलेगा उसने तीन रन मार दिए तो डोमिनेट कर रहा है ना गेम अब उसको इंडिया से खेलना चाहिए ठीक है तो मेरे को लगता है कि शो का फॉर्मेट भी है कि हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी लोग कोई कम है बट मैं चाहता था क्या करें तो मैंने डोमिनेट कर दिया शो ये तो मतलब हाँ। तो हाँ। हाँ। अब ह्यूमिलिटी है मतलब ऐसे कोई तड़ी नहीं मार रहा बट जो सच्चाई है सो है ठीक है मैथ नंबर पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा सबका एंड फिर मेरे को एक चीज़ लगने लग गई मतलब फंडामेंटली एक चीज लगने लगी कि अगर आपका एक शो का फॉर्मेट क्या था कि कोई आपको आके आइडिया पिच कर रहा है आप उसको एक ऑफर दे रहे हो और वो अच्छा ऑफर ले मैंने पिछले साल लड़ाई भी इसी बात पे लड़ी ना जिसका दोगलापन भी उतारा था ये उतारा था ना कि साले तेरे को वो क्यों चाहिए शाक मैं तेरे को बेटर डील दे रहा हूँ पर इस साल उल्टा हो जाता सब लोगों को आके बोलते सर अजनीर सर चाहिए अशनिर चाहिए सर मतलब आप एक मतलब आप एक रुपये में दे दो एक रुपये दोगे तो हम दस परसेंट कम नहीं दे देंगे फिर अच्छा नहीं लगता ना वो सा हो जाता था थोड़ा। सर, सर ऐसे लास्ट सीजन का अपना फेवरेट वो कौन था जिसमें आपको मजा आया फेवरेट पिच यार फे, मेरे को मजा लोगों को मजा आया नाभी वाले पे ठीक है मेरे को उस पर बहुत मजा आया था वो एक लड़की आई थी वो सबके अंतिम यात्रा कराती थी अंत्येष्टि करके शायद नाम था उसका मतलब वो प्रोफेशनल क्रिमेशन कराती थी भाई साहब वो बंदी मतलब और वो कपड़े भी गौथिक पहन के आई थी गौतिक में भी मंजूली का वो टाइप साड़ी पहन के ठीक है वो उसके बाद तो घबरा गए थे मतलब हम एयरपोर्ट जा रहे थे इनोवा में मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था भाई कहीं एकदम से प्रकट ना हो जाए वो यमराज तो लग रही थी मेरे को आई भी थी या नहीं हाँ हाँ, हाँ मतलब ये आई भी थी है कोई यमराज थे है, मतलब तो इसलिए मेरे को लगा दूसरे यमराज से मिलके थोड़ा सेट, सेटल कर लेना इंटीग्रेशन हो गया

वो तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा तो क्या एंजॉय किया आपने क्या लगा उसमें आपको हाँ क्या अच्छा, लाइफ है नहीं अच्छा तो लगता ही था बट तो रियलिटी भी होनी है ना मतलब उसके बाद घर तो आओगे ना तो घर आके तो माँ बाप ने जब तुमसे जाले उतरवा उतरवाने, उतरवाने हैं तब तुमको सब समझ आ जाएगा कि तब तुम कोई असिस्टेंट नहीं मिलता ना चालू उतारने के लिए तो माँ बाप तो सुनाई देते हैं तो मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ तो वो थोड़ा ग्राउंडेड हो जाता है अपने आप और अभी तो आजकल तो ये भी लोगों को लग रहा है ऐसे कि शायद ये स्टंट है की दिखा नहीं है है भी रहे हैं। सर शो में आ आ जाएंगे। वाइल एंट्री वाइल वाइल एंट्री रहे रहे जाएंगे। वाइल्ड वाइल्ड कार्ड कार्ड ऐसा कुछ है क्या? देखो अगर लोगों को बना हुआ है ना तो बने, थे बने थे तो ऐसा तो हो, हो सकता है अपनी उम्मीदों को भगवान के इंसान कितना भी टैलेंटेड हो बट एक टाइमिंग होती है आपकी और एक उप किसी का हाथ है आपके ऊपर जो आपको आगे लेके जाएगा आपकी चीज़ें सुलझती जाएंगी आप मानते हैं इन सब में नहीं यार मैं थोड़ा प्रैक्टिकल किस्म का आदमी मतलब नास्तिक नहीं हूँ बट बॉर्डर लाइन नास्तिक हूँ <coughs> मेरी वाइफ बहुत ही स्परिचुअल है <coughs> बट मैं इतना इतनी चीज़ों को नहीं मानता हूँ मेरे को लगता है करते रहो ठीक है कुछ चीज़ें सेट होंगी कुछ चीज़ें नहीं सेट होंगी बट मैं मतलब मेहनत करने में और काम करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ ये नहीं कि कि ये चार अंगूठी ये पहन ली ये कड़ा पहन लिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी उस पर कोई बिलीफ नहीं है मेरा गाड़ी खरीद लो बस हाँ गाड़ी हाँ गाड़ी का देल मैं, देल मैं, देल मैं रहे। रहे। अच्छा व्याम है आ... यार मेरे को लग रहा है कि थर्ड यूनिकॉर्न में मेरे को एक फरारी खरीदनी पड़ेगी तभी चलेगी वो फर्स्ट लेंगे सेकेंड जो सस्ती मिल जाए फर्स्ट पे डिस्काउंट दिला दे तो फर्स्ट ले लूँगा यार

के घर पे भी बड़े आर्टिकल्स बने थे उस टाइम की अश्ल गोबर का घर ये वो तो मैं ये पूछना चाहता चाहूँ कि आपके घर में सबसे महंगी चीज़ क्या है हाँ मैं हूँ सबसे चीज़ महंगी चीज़ आ, 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 आप तो हो ही <laughs> चीज़ जो आपने लगवाई हो घर के अंदर की ये सबसे महंगा लगाना है यार ऐसा कुछ नहीं यार मेरी वाइफ ने मंदिर लगवाया था एक तो वो महंगा है बट अदरवाइज तो ऐसा कुछ कोई पीस ऑफ फर्नीचर या कोई ऐसा इक्विपमेंट ऐसा कुछ नहीं है यार वो डाउन टूवर्ड्स बंदो यार तुम तो देख ही चुके हो मतलब हम भी होता है हमारे साथ बैठे हो दाल मखनी खाई आपने हमारे लिए नान <laughs> खाई और सर और बताओ <laughs> क्या? आगे क्या प्लान है आगे क्या क्या प्लान है आप यार मतलब आगे का तो देख लेंगे यार जो करेंगे जब कुछ मार्केट में आएगा प्रोडक्ट तब देखेंगे ना अभी अभी से क्यों अनाउंस करना है बुक में पता लगे हमें बुक में है कुछ फ्यूचर आपका कुछ बुक में आपको हिंट्स मिलेंगे हिंट्स मिलेंगे हां एक चीज है कि एक मैंने सुना है किसी से कि जैसे बैटिंग ऐप होते हैं ऐसा ही कुछ आप एक नया शुरू करने वाले हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं मैं कुछ नहीं बता रहा ये ये मेरे मेरे सट्टे पे घुसने पे भी सट्टा लग रहा है वो अलग बात है हाँ, मैंने और वो बड़े और बहुत ही ऊंचे लेवल पे लग रहा है मैं चाहता हूँ ये हो जाए फिर बस साथ में मैच भाई आप आस... मिल जाए हमें और क्या चाहिए प्रमोशन के लिए आपको पता ही है नहीं नहीं ठीक है वो जब करते हैं तो करेंगे मैंने देखा कैसे सडनली मांग लिया काम मैं तो डायरेक्ट मांग रहा हूँ सर दे दो दूंगे सर इधर की क्यूआर बताएंगे तो कहीं भी क्यू आर बता एक और मैंने ट्विटर पर काफ़ी पढ़ा है लोग आपको एलोन मस्क से कंपेयर करते हैं हाँ हाँ हा। यार वो वो आई थिंक फालतू का कंपेरिजन है ठीक है कि एक तो एलोन मस्क को लोगों ने क्यों भगवान बना रखा है मेरे को समझ नहीं आता है, ठीक है वो बहुत ही सुपर स्मार्ट बनता है बहुत ज़्यादा उसको धंधा करना भी आता है उसको लोगों की साइकोलॉजी से मास पे खेलना भी आता है

अलेक्जेंडर ने इतनी ज़मीन पर राज करा ये सब बकवास की बात है आज के राजा हैं जूकरबर्ग और इलोन मस्क मतलब ये सरकार हिला सकते हैं दुनिया में किसी की भी इनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है और ये पूरा टाइम मज़े लेते हैं राइट कभी वो लाल कलर की चड्डी बेच रहा होता है, हाँ। हाँ, है हाँ। मैं भी कभी कभार किताब बेच रहा होता तो लोगों को लगता है कि हाँ कंपैरिजन तो है वो चड्डी बेच रहा है किताब बेच रहा है बिल्कुल पैरल बनता है बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे को लगता है कि मैं उससे बहुत कम स्मार्ट हूँ Uh, हाँ ठीक है बट uh, भाव मत उसके मतलब ट्विटर में के

<laughs> हाँ बनते हैं वो तो एंड चलो बढ़िया है अच्छा बंदा है वो वैसे जुकरबर्ग के घर के बाहर भी गया था मैं इस बार ही यू में गया था मेरा एक दोस्त है नीरज अरोड़ा करके तो उसके घर के पीछे के सारे प्लॉट जुकरबर्ग ने लिए हुए हैं हाँ मैंने सुना कि अपने घर के आसपास के काफ़ी ज़मीन खरीद ली हाँ तो तो वो मेरे को बोलता चल घुमा के लाता हूँ तो मैं चला गया ऐसी बाहर सड़क पर भाई जुकरबर्ग के घर के बाहर स्टार्ट गाड़ी मतलब स्टार्ट मतलब कि तुम्हारा पीछा करेगी ऐसी तीन चार गाड़ियाँ खड़ी हुई और फॉर्मर जो एजेंट होते हैं ना ये एफ एजेंट वगैरह जो रिटायर हो गए होते हैं उसको उन्होंने बंदे रखे हुए गाड़ी में और वो तुमको देखे जा रहे हैं और मेरा लड़का बोल रहा है कि मैं तो इसके जूकरबक्की गेट के सामने फोटो खिंचवाऊँगा <laughs> <laughs> मैंने बोला भाई यूएसआई ये, ये, ये गोली चलाने से पहले पूछते नहीं है मतलब रहने से फिर उसने मेरे बेटे ने जुकरबर्ग के गेट के बाहर फोटो खिंचवाई यहाँ पे चार लड़कों ने मेरे बेटे की फोटो खींच ली ठीक है मैंने बोला अभी तो इन्होंने प्रोफाइलिंग कर ली होगी ग्रोवर क्या कर रहा था जुकरबर्ग के घर के बाहर तो

मिल जाए सभी अच्छे लगते हैं, को लगते हैं। अपने फील्ड में कोई जो नंबर वन है, वो आप, आपको कभी भी मिल जाए तो आपको अच्छी फीलिंग आती है कभी मैं वो आइडल वर्शिप में पढ़ाई नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब मस्क भी बहुत बढ़िया बंदा है पर भगवान नहीं है मेरे लिए बंदा ही है तो इस चक्र में पढ़ता नहीं हूँ मेरे को अभी तक नहीं याद कि मैंने किसी को अप करके कुछ कर लिया हो नहीं एक एक चीज़ है मैं उस पर आपके पॉइंट जानना चाहता हूँ जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया पर चलता रहता है वो हमें चार पांच चीज़ें बता रहे हैं सुबह जल्दी उठा करो सुबह लिख लिया करो आज मुझे क्या करना है और अपना अपने एफर्मेशन करो ये सब करो और मतलब इससे वो कहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे कहते हैं कि एक तो मेरे को समझ नहीं आता मोटिवेशनल स्पीकर होता है क्या मतलब वो मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे वो

कि बड़ी बड़ी बढ़िया बातें करते हैं हाउ हाउ डू 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 आई आई दिस दैट मतलब सिंपल सिंपल बातें करेंगे बट मेरे को लगता है वो थोड़ा मेरे को तो नहीं चमकता यार मतलब तो तुमने कोई धंधा बनाया हो जिसकी लोगों को पता हो वो तो कुछ करके आते फिर वो ये बन जाते हैं मतलब, आ, मतलब, मतलब नहीं 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 देखा। मैं वो बोल रहे हैं कि मेरा काम है दूसरों की हेल्प करना भाई तू खुद की हेल्प कर ले पहले ना बाकी भी कर रहे हैं अच्छा ऐसी बातें करते हैं कि खुद को किसी से कंपेयर मत करो और फिर बोलते हैं कि ऐसे कमरे में बैठो जहाँ तुमसे स्मार्ट बैठे हो वरना के चले जाओ

क्योंकि लौंडा लाइफ में तो नहीं होता इतना कि जब पढ़ रहे होते हैं और पैसे, भी इतने नहीं होते, होते, होते हाँ। हैं नहीं यार मतलब आ, मेरे को लगता है कि फैशन बहुत जरूरी है कि तुम ढंग के कपड़े पहनो अच्छे कपड़े पहनो तो एक सामने वाला बंदा वैसे इंप्रेस हो जाता है आ, फिर आप कॉन्वर्सेशन भी ढंग की कर सकते हो आपको खुद भी कॉन्फिडेंट लगता है और मेरा एक चीज़ जो लोगों को लगता है पता नहीं होगी और बहुत ही नॉन इंटिव सी है कि मैं शॉपिंग बहुत करता हूँ मतलब मैं एक्चुअली मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे ना वो लोग बीमारी है शॉपिंग शॉपिंग करने करने की एंड ऑफ कोर्स के लिए पैसे चाहिए भाई देखो मतलब बीमारी तो सबको बीमारी <laughs> तो सबको अच्छी लगती है बट <laughs> बीमारी पालने के लिए पैसे हाँ. भी होने चाहिए ना तो और दूसरा मेरे को क्या है कि मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है हाँ. तो मैं पचास से ज्यादा पचास से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूँ और मेरे पास सारे वीजा हमेशा अप टू डेट रहते हैं तो दुनिया में किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ और मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो मैं इनवेबली मेरे को मन करता है कि बाहर जाके दुकान पे जाके शॉपिंग करूँ बाहर का रिटेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इंडिया से तो लंदन हो गया ऑक्सफर्ड स्ट्रीट हो गया एस एफ में मेसीज हो गया ये सब मेरे को दुकानें बहुत अच्छी लगती हैं मतलब एज अ फॉमैट तो मैं रिटेल का फॉर्मेट देखने के लिए भी बहुत जाता हूँ इनफैक्ट मेरी वाइफ की जितनी शॉपिंग आज तक है सब मैंने की है क्या बात है हाँ तो मेरा एक मेरे को लगता है एक ऑल्टरनेट करियर भी हो सकता है स्टाइलिस्ट की तरह बॉलीवुड में

जो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ हमें अगर आप सजेस्ट करो कि सही है सै पैसा कमा रहा तो यहाँ जब जहाँ कहीं आप भेजो मैं मैं तो मैं पैसे <laughs> देना घूम के आओ मेरे को लगता है कि कंट्रीज बहुत गया गए बट यू के बहुत सुंदर है यूके में अगर तुम लंडन के बाहर निकल जाओ ना तो डोवर करके जगह है बात करके जगह है ये अलग ही लेवल की सुंदरता है वहाँ पर तो मेरे लिए तो बेस्ट मेरे जो डेस्टिनेशन है जहाँ दिमाग नहीं लगाना कि यार यहाँ तो चले जाओ मज़े आएंगे आएंगे वो यूके और हाँ और लंडन है लंडन में इनफैक्ट मेरा फेवरेट रेस्टोर भी जो है डिशुम करके रेस्टोरेंट इंडियन वो भी लंडन का ही है घर है आपका वहाँ पे नहीं यार ले लो एक साथ <laughs> क्यों तेरे को ठहराना है वहाँ पे अभी <laughs> तो हम जाएंगे तो रुक <laughs> इसके लिए सर ये तो रिजन। चल रिजन। तेरे मुंह में घी चक्कर वहाँ पे आ जाएगा तो तेरे को पक्का ठहरा दूंगा

यार अब, अब छोड़ दो यार जाने दो यार मेरे को मतलब एक वीडियो के पीछे कितने वीडियो बनवाओगे यार मतलब मतलब छोटा सा अब थी अब, थी है अब, है मैं, है। अब मैं मैं मतलब मैं तहस में आ गया ना अपनी फिर तो तुमको पता है क्या होने वाला है ठीक है तुम्हारा दोगलापन निकल गया हां <laughs> मेरे को निकालना नहीं है तुम्हारा दोगलापन सबके सामने बट अब बहुत हो गया यार वगैरह वगैरह के नाम में मतलब तुम कुछ भी कराओगे मेरे से ठीक है बस सर कोई बात नहीं निकल रहा हूं मैं अब

आप लेने ही पड़े मजे अब क्या मजे हाँ, नहीं थी। आते तो बड़े लोग ले लेते हैं भाई <laughs> ले <लेते> <laughs> ऐसी बात नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको प्यार दें इसको सम्मान दें और चैनल को वीडियो को लाइक <laughs> करें ये सर आप बोल दो आपकी बड़ी अच्छी चलती है पे पता है आपका इतना फैन बेस है ना यूट्यूब तो ये सही और राजेश है इनके पास बहुत ही एक्सक्लोसिव मेटीरियल है बहुत सारी सेलिब्रिटीज का जिस करके उनसे बहुत अंदर अंदर की बातें निकलवा रहे हैं तो और ये सिर्फ किडनेपिंग और रैनसम वाले लोग ही करा सकते हैं तो आप ये ज़रूर देखो इनका शो और लाइक करो सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ घंटी बजाओ और हम यहाँ सर का इंस्टाग्राम अकाउंट डाल देंगे उन्हें फॉलो करो क्योंकि बुक की अपडेट्स वहां आपको हाँ बुक की अपडेट मिल जाएगी बुक का भी हम लिंक डाल देंगे बड़ी सनसनी खेज अपडेट्स आने इतनी समझ जाओ बस <laughs> थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर